हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वॉचिंग माय मैथ्स क्लास। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड ना? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, राइट? एंड प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, जो स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालेंगे। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। Getting it? In this video, चाहे हमारे पास आपको square root कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे आप काफी easily solve कर सकते हैं। So, without wasting any time, let us start. चलिए start करते हैं। हमारा first number है 1024। जब हम लोगों ने discussion किया था how to find square of a number, राइट, जहां पे हमने स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स की बात की थी, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स की बात की थी, देन वी वर गेटिंग मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सो यस, हियर वी आर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर। देखिए, 1 से 20 तक का स्क्वायर सबको आता है एंड वाइस वर्सा, स्क्वायर रूट भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, सबको याद होता है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1024। प्लीज ध्यान से देखिएगा, वेरी इजी। जो भी नंबर आपके पास है आपको चेक ये करना है कि वो किस किस के बीच में आता है। सर, किस किस के बीच में आता है क्या मतलब है? ये तो बहुत सारों के बीच में आता है। ओके, लेट मी मेक इट वेरी वेरी इजियर। इफ आई टॉक अबाउट कि ये जो नंबर है आपका, ये आता है 30 का स्क्वायर और आपका 40 के स्क्वायर के बीच में। ध्यान से समझिए प्लीज मेरी बात, एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सारे आपको आ जाएंगे। आपको इस तरह से नंबर्स लेने हैं, 10-20 के बीच में, 20-30 के बीच में, 30-40, 40-50, 50-60, समझ रहे हैं ना, 100 या फिर 110, 120 या 130, इस तरह से आपको नंबर चेक करने हैं कि किस किस के बीच में आता है। अब ये सब हर बच्चों को पता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है हमारे पास 900, राइट? 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्लियर है? तो इन दोनों नंबर्स के बीच में बताइए 1024 आता है कि नहीं आता है? आता है, ठीक है सर, यहां तक तो गुड है। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है? सर, 35 आता है। ओके, 35 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आता है। अब देखिए, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, एक वीडियो हमने पोस्ट की है जहां पे जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर कितना इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो बताइए पहले 35 का स्क्वायर कितना हुआ? दिस विल बी 25 and then 3, 4, 12, so 1225 will be the square of 35, got it? अब देखिए, चेक करिए 1024 क्या इस वाले के बीच में आता है या इन दोनों के बीच में आता है। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, 1024 900 और 1225 के बीच में आता है, और इट कम्स इन बिटवीन 1225 एंड 1600, ऑब्वियसली ये आता है इन दोनों के बीच में, yes or no? आता है ना। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से स्क्वायर्स आते हैं? सर, 30 का स्क्वायर और 35 के स्क्वायर के बीच में हमारे पास वैल्यूज आती हैं, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है। अब चेक करिए इनके यूनिट डिजिट्स, चेक करिए यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, चेक करिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 64 आएगा। सो करेक्ट आंसर इज 32, क्योंकि यहां पर भी यूनिट प्लेस 4 है। तो सर देखिए ना, जब आप स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, ओके सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, सो दिस इज द ओनली वैल्यू अमंग दीज 4 जिसका यूनिट प्लेस 4 आएगा, ठीक है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 32 का स्क्वायर होता है 1024, और यू कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। डोंट वरी, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था, हम और भी क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे और देखिएगा आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन 2 निकाल के देखते हैं, क्वेश्चन 2 कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यही फॉर्मेट आप यूज करेंगे। सो नंबर इज 2209, पहले चेक करिए 2209 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। फिर से वही चीज, कैसे चेक करेंगे? 10-20 के बीच में आता है, 20-30 स्क्वायर के बीच में आता है, 30-40 स्क्वायर के बीच में आता है, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट, राइट? सो हमें पता लग गया कि आपका जो 40 का स्क्वायर है
जो कि कितना होता है, दैट इज 1600, 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर इसके बीच में ये आता है। मैं थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि इजिली सॉल्व कर पाए। 50 का स्क्वायर होता है 2500, इन दोनों के बीच में आपका 2209 आएगा। और मिडिल में क्या आता है भाई, मिडिल में आता है 45 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपको निकालना आता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 5 जा 20, 2025 इनके बीच में आएगा, राइट। अब ये देखिए, ये कौन सी रीजन में लाया करता है, 2209 इस वाली रीजन में लाया करता है या इस वाली रीजन में लाया करता है। 1600 और 2025 के बीच में आता है या 2025 और 2500 के बीच में आता है। सर वेरी इजी टू फाइंड, 2209 तो इस वाली रीजन में आएगा, वेरी गुड, इस रीजन में आएगा ना। अब मुझे बताइए इनके बीच में कौन कौन से स्क्वायर्स हैं, मतलब 46 का स्क्वायर आएगा, 47 का स्क्वायर आएगा, 48 का स्क्वायर आएगा और 49 का स्क्वायर आएगा, राइट। अब चेक करिए किसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आने वाली है। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस 4 आ रहा है सर। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। तो बताइए 9 कब आएगा, तो ये वाले पे। 7 का स्क्वायर 49, तो 47 का स्क्वायर होता है 2209, और यू कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 2209 इज 47। अब बताइए इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है ना, नहीं हुआ है जिस भी बच्चे को कोई बात नहीं, वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस, यू विल बी वेरी वेरी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 4761। देखिएगा 4761 फिर से वही चीज, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है सर, यह आएगा आपका 60 का स्क्वायर और 70 स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 60 स्क्वायर कितना होता है भाई 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900, वेरी गुड। ये 4761 इनके बीच में आने वाला है। मिडिल वाली वैल्यू फटाफट बता करो क्या है, 65 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी करिए। अब आप 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 से अगली वैल्यू 7, 67 जा 42, 4225 इसका स्क्वायर। ये कौन सी रीजन में आएगा, इस वाली रीजन में आएगा या इस वाली रीजन में आएगा, 47 ये वाली इस वाली रीजन में आएगा ना। बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 66 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 68 स्क्वायर एंड 69 स्क्वायर। चेक कर लीजिए किसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी यूनिट प्लेस में, राइट। 6 का 36 नहीं, 7 का 49 नहीं, 8 का 64 4 आ रहा नहीं, 69 9 का स्क्वायर 81 1, तो ये रहा, तो 69 का स्क्वायर होता है 4761 और द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज 69। बताइए इज दैट क्लियर। अब उठा लीजिए सर कॉपी पेन, 3 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, फटाफट मेरे साथ साथ करेंगे और कितना जल्दी करेंगे वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9801। पहले चेक करिए 9801 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 90 स्क्वायर, राइट एंड योर 100 स्क्वायर। 90 का स्क्वायर होता है सर 8100 और आपका 100 का स्क्वायर होता है सर 10000, वेरी इजी टू फाइंड। इनके मिडिल में आता है सर 95 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 5 स्क्वायर 25 एंड 9 10 90 9025, इजी। अब ये कौन से लेवल में आता है, कौन से एरिया में आएगा, कौन से रीजन में आएगा, इस वाली रीजन में आएगा। 9025 और 10000 के बीच में आपका 9801 आता है, आता है कि नहीं आता है, बस। तो कौन कौन से नंबर्स हैं इसके बीच में, 96 का स्क्वायर आएगा इनके बीच में, 97 का स्क्वायर आएगा, 98 एंड देन 99। आपका आंसर आ चुका है 99 का स्क्वायर होता है 9801, क्यों, यू नो द रीजन, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। सो दिस इज द ओनली नंबर Getting it? Very easy. Let us take one more last question. Then I'll be giving you some homework, जो आप लोग अपने घर से try करेंगे. Clear है? Okay. Let us talk about 14884. Check करिए किस किस के बीच में आता है 14884. ये आपका आता है 120 square and 130 square. सभी को निकालना आता है. 120 का square होगा 14400 and 130 का होगा 16900. इजी ना, 12 का स्क्वायर 144, जीरो को दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, क्यूब होता तो हम लोग तीन बार लिख देते। सेम यहां पे 13 का स्क्वायर 169 और जीरो का स्क्वायर है तो उसे दो बार लिख देंगे, वेरी इजी टू लर्न। बीच में क्या आता है सर, बीच में आता है 125 और ये स्क्वायर हमें निकालना आता है, मैंने बताया था पहले 5 का स्क्वायर 25, आगे बचा 12, 12 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे व्हिच इज 13, सो 12
इंटू 13 कितना आएगा 156, सो 15625। ये वाला किस कौन से रीजन में आता है 14884, ये इस वाली रीजन में आता है, बताइए यस और नो। वेरी इजी, 14400 एंड 15625 के बीच में आएगा ये वाली वैल्यू। नंबर्स कौन कौन से हैं बीच में, 121, 122, 123 एंड 124, चेक इट आउट किसके ये प्लेस से आपका ये मैच कर रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आंसर 4 यूनिट प्लेस के, और चेक कर लीजिए फिर भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नहीं और कोई नहीं है। सो यस सर, 122 का स्क्वायर होता है 14884, और द स्क्वायर रूट ऑफ 14884 इज 122। बताइए क्लियर है ना अच्छे से। अब मैं आपको दूंगा होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस वो आप लोग करेंगे, ओके ये देखिए। सो दिस इज योर होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1296, चेक करिएगा किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। सेकेंड इज 5929, ओके सर। थर्ड है आपका 6724 एंड यस फोर्थ वन इज 17424। ये चारों आपको ट्राई करने हैं एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि इनका आंसर क्या आ रहा है, एंड यस यू नीड टू चेक कितना जल्दी आपने निकाला, ओके सर। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे अपने स्क्वायर रूट के बारे में, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गॉट इट। चलिए फिलहाल लेते हैं अलविदा, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय गाइस, टेक केयर।